बारहवीं में 99.99% मार्क्स लाने वाला स्टूडेंट बनेगा सन्यासी। बारहवीं में अच्छे नंबर से पास होने के बाद सभी अपने फ्यूचर प्लानिंग में लग जाते हैं। उन्हें किसी टॉप की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना होता है, लेकिन बारहवीं पास करने के बाद स्टूडेंट के दिमाग में तो कुछ और ही बातें चल रही है। एक तरफ पास होने के बाद हर कोई अपने फ्यूचर के लिए सजग हो जाता है, तो वहीं दूसरी तरफ 17 साल के वर्षील शाह के दिमाग में जो चल रहा उसे आप सोच भी नहीं सकते। आपको जानकर हैरानी होगी कि 12वीं में 99.99 यानी पूरे 100% मार्क्स लाने के बावजूद वर्षील किसी टॉप कॉलेज में एडमिशन लेना नहीं चाहता है। 100% लाने के बाद हर कोई अपने माता पिता से बड़ी डिमांड करता है, लेकिन अपनी इसमें मेहनत के लिए वर्षील ने इनाम में सन्यासी बनने की इजाजत मांगी है। हैरानी की बात तो तब हुई जब वर्षील के माता पिता ने भी उसकी इस डिमांड पर हामी भर दी। उन्हें वर्षील के इस फैसले पर कोई परेशानी नहीं हुई, न ही इस फैसले पर उन्हें कोई पछतावा है। इतना ही नहीं, वर्षील का पूरा परिवार उसे सन्यासी बनाने के लिए दीक्षा समारोह की तैयारियों में जुटा हुआ है। वर्षील के पिता जिगर शाह इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में इंस्पेक्टर हैं। जिगर से बातचीत पर पता चला कि उनके परिवार की पहले से ही आध्यात्म की तरफ रुचि थी। उन्होंने बताया कि जब वर्षील की छुट्टियां होती थी तो वह कहीं घूमने जाने की बजाय सत्संग जाया करता था। इन सत्संगों के दौरान ही वर्षील कई जैन मुनियों और सन्यासियों के संपर्क में आया, जो सन्यासी बनने से पहले डॉक्टर, इंजीनियर और चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, लेकिन असली खुशी उन्हें दीक्षा लेने के बाद ही मिली। फिलहाल वर्षील का पूरा परिवार सूरत में है, जहां 8 जून गुरुवार को वर्षील का दीक्षा समारोह जैन मुनि कल्याण रतन विजय जी की अगुवाई में होगा। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस पर लाइक का बटन जरूर दबाएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।